हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। आई मीन ये मेकअप जो है आप गरबा में कर सकते हैं। और ये जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है और स्वेट प्रूफ भी मेकअप है। आप इस मेकअप को बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने स्टेप बाई स्टेप ये मेकअप जो है वो क्रिएट किया है। और आपके पास जो भी सिल्वर ज्वेलरी हो वो पहनकर आप इस मेकअप लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये नाइट जेल। एक्चुअली ये फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और आपकी स्वेट को रोकता है, इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। और उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी कलर बार का प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है जो हमारे स्किन के सारे पोर्स को अच्छे से क्लोज करता है और फाउंडेशन को अच्छे से सेट करता है अपने फेस पर। तो ये प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर अप्लाई करने के बाद एज़ यूज़ुअल मैं मेबलिन न्यूड पैलेट में से ब्लैक आई शेडो यूज़ करूँगी और एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो के हेयर के गैप को अच्छे से फिल कर लूँगी। आप चाहें तो अगर आपकी आईब्रो का कलर थोड़ा लाइट हो तो आप जो है वो ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे थोड़ी बोल्ड आईब्रो बनानी है आज, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आई शेडो से ही आज अपनी आईब्रो की हेयर के गैप को फिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सबसे पहले आईब्रो को अच्छे से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने अपनी हेयर स्टाइल जो है वो पहले ही बना ली है ताकि मुझे बाद में नहीं बनानी पड़े। और वो जो हेयर स्टाइल मैंने बनाई है वो गरबा के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप भी इस टाइप की हेयर स्टाइल बना सकते हैं। मेरे थोड़े शॉर्ट हेयर हैं तो मेरे पे वो पोनी फ्रेंच पोनी टेल जो पोनी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट स्टिल मुझे वो लुक क्रिएट करना था इसलिए मैंने वैसी बनाई। तो अभी जो है मैं लैक्मे का मीडियम रेंज का कंसीलर जो है, मीडियम शेड का कंसीलर जो है अपनी आईलिड पर, अपनी आईज़ पर और आईब्रो के ऊपर नीचे इस कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है इस कंसीलर को डैब डैब करके सेट कर लूँगी। यू नो हमें आई का इवन कलर बनाने के लिए कंसीलर यूज़ करना चाहिए ताकि आई शेडो जो है उसका लुक उभर कर आए। अगर आप कंसीलर अप्लाई नहीं करोगे और आपकी आईज़ का और आपके फेस का कलर अनइवन होता है तो आई शेडो का कलर अच्छे से नहीं आ पाएगा। इसलिए आप हमेशा कंसीलर को सबसे पहले अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लें। इससे क्या होता है कि हमारी आईब्रो का लुक भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में मेकअप रिवोल्यूशन की आई हार्ट चॉकलेट पैलेट में से मैं एक डार्क चॉकलेट कलर लूँगी जो थोड़ा पिंकिश टोन का है। उसे मैं अपनी आई की आउटर विंग पर और क्रीज लाइन पर बहुत अच्छे से क्लीन फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आप कोई भी ब्रांड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी आई शेडो यूज़ करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, जैसे कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आपको आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है, क्रीज लाइन को डिफाइन करना है, आउटर वी पर बोल्ड आई शेडो रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो है आई का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेम पैलेट में से एक लाइट ब्राउन कलर लूँगी और उसको अपनी आउटर वी पर डिपॉजिट करूँगी। ब्लेंड करते हुए डिपॉजिट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीधा आई शेडो उठाना है और उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। ब्लेंड करते हुए आपको डिपॉजिट करना है। आप जो है आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल का जो है आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मेरी चोली का कलर रेड कलर है और लहंगे का कलर ग्रीन कलर है, बट स्टिल मैं सेम रेड कलर नहीं दे रही हूँ। मैं थोड़ा ब्राउनिश और पिंक अंडरटोन में दे रही हूँ जो थोड़ा बहुत रेड के मिक्स में आए, अदरवाइज़ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है रेड पर रेड कलर का मेकअप कर ले। तो उसके बाद सेम पैलेट में से मैं एक शिमरी कलर गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ जिसको अपनी लिड पर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। आप चाहे तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं।
देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो कम्प्लीट होने के बाद में मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट का आई लाइनर, और उस आई लाइनर की हेल्प से जो है मैं एक विंग आई लाइनर क्रिएट कर लूँगी अपनी आईज़ पर। सबसे पहले मैं विंग ड्रॉ करूँगी और फिर छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए जो है आई लाइनर को ड्रॉ कर दूँगी। जब भी आप विंग लाइनर क्रिएट करो आप एक साथ नहीं ड्रॉ करें, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक लेके ही आई लाइनर को ड्रॉ करना है ताकि आपका बहुत अच्छा विंग क्रिएट हो और आई लाइनर भी बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाए। नहीं तो आपको पता है गरबा खेलने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी अगर आप आई लाइनर ड्रॉ करोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और फिर से आईलाइनर को हटाकर मेकअप फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि आईलाइनर एक ऐसा स्टेप होता है कि वहाँ पे अगर आई शेडो अप्लाई करने के बाद अगर आपका आईलाइनर बिगड़ जाता है तो मतलब पूरी आईज़ जो है ब्लैक हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे स्ट्रोक लेके ही आपको हमेशा आईलाइनर ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन कलोसिल काजल। इसको अपनी वाटर लाइन और वाटर लाइन के नीचे थोड़ा सा इस काजल को अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ जो है वो थोड़ी बड़ी दिखे और मेरा काजल जो है वो थोड़ा बोल्ड दिखे। इसलिए मैं इस काजल को इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। काजल कंप्लीट करने के बाद में मैं सेम पैलेट में से जो कलर मैंने आई शेडो के लिए पिक किया था वही एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे जो है इस कलर को फिर से अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आईज जो है वो थोड़ी बड़ी दिखे और मेरा आई मेकअप जो है थोड़ा उभर कर आए। तो मैं लोअर लैश लाइन के नीचे हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए स्मच करते हुए इसको अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है किसी भी मेकअप के लिए। उसके बाद मैं एक लैश कर्लर की हेल्प से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाइबर मस्कारा जो कि मेबलिन का है, उसको मैं अपनी अपर लैश पर और लोअर लैश पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद में मैं ऑफ़ कैमरा जो है अपनी लैशेस फॉल्स लैशेस जो है वो अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल 24 आवर्स फाउंडेशन, जिसका शेड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने कौन सा शेड यूज़ किया है, मुझे याद नहीं है। और इस तरीके से वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है डैप डैप करते हुए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। ये बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत लाइट फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से स्टिक होता है फेस पर और आपको आपके स्वेट नहीं आने देता है जल्दी से, जो मेरा एक्सपीरियंस इस फाउंडेशन के साथ में रहा है। तो वेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग, किसी भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, आपका जब फेस आपको बहुत अच्छा दिखाना हो, मतलब ओकेज़न टाइप दिखाना हो, तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फाउंडेशन को अपनी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कहीं पर भी अनइवन या पैचेस दिखाई नहीं दे। तो इस तरीके से मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। आपको जो है जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो आपको नेक एरिया पर भी फाउंडेशन अप्लाई करना है। मैं किसी किसी वीडियो में ही नेक एरिया पर अप्लाई करती हूँ, यू नो मेकअप जो है वो घर पर किया जाता है तो नेक एरिया पर यूज़ नहीं करती हूँ, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप किसी भी टाइप का मेकअप करो आपको हमेशा नेक पर अप्लाई करना है अगर आप बाहर जा रहे हो तो। उसके बाद मैं लॉरियल मैड मैजिक का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी और उसको अपने फेस पर फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट में से जो मैंने यूज़ किया था मेकअप रिवोल्यूशन का, उसमें से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और अपनी आईज की इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और अपनी आईब्रोज के नीचे भी उस हाईलाइटर को यूज करके अपनी आईज को भी हाईलाइट कर लूंगी। इनर शेड शुगर का कॉन्टोर मिनी कॉन्टोर है और एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूंगी। कॉन्टोरिंग जैसा कि आपको पता है फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आपको जब आप बाहर जाते हो फेस्टिवल सीज़न के लिए कोई मेकअप कर रहे हो तो आपको थोड़ा फेस जो है फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा शाइनी लगे, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए आपको कॉन्टोरिंग करनी चाहिए, हाइलाइटिंग करनी चाहिए, तो आपका फेस बहुत अच्छा लुक देगा और आपके पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद मैं लेग में 9 to 5
का एक ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जिसको अपनी एपल ऑफ द चीक पर अप्लाई कर लूँगी और अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद हाइलाइटिंग के लिए मैं नाइका 24/2 के लैम्प यूज़ कर रही हूँ और अपने फेस एरिया पर जहाँ जहाँ पर हाइलाइटिंग मुझे करनी है वहाँ पर कर लूँगी। पर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की ये लाइट रेड कलर की लिपस्टिक जो थोड़ा पिंकिश अंडरटोन में आती है, उससे मैं लिप लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि जो मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ वो थोड़े लाइट शेड की है। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर ड्रॉ करूँगी, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की ये आइकन शेड की लिपस्टिक जो थोड़ी लाइट पिंकिश टोन की आती है। अब मैं इसे अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी जिससे मेरी लिपस्टिक का कलर थोड़ा बोल्ड बन जाए और फेस पर उभर कर दिखे। तो ये लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लूँगी जो मेरी ड्रेस के साथ में, मेरे मेकअप के साथ में एकदम परफेक्ट सूट हो रही है और मुझे बहुत अच्छी लगी है लिपस्टिक। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली है बट हाँ नवरात्रि सेल पर शायद आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिल जाए। तो ये लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद में मैं अपनी ज्वेलरी और अपनी बिंदी अप्लाई कर लूँगी तो मेरा लुक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो गाइज़ नीचे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज़ आप लोग जो है वीडियो देखते हो पर आप कमेंट करने में और लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।